बिहार प्रदेश जदयू भागलपुर शाखा द्वारा भागलपुर के स्थानीय होटल में जदयू व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ तथा जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, सांसद अजय मंडल, ललन सर्राफ, खसा परवीन, बिपिन बिहारी सिंह, लक्ष्मीकांत मंडल, सुभानंद मुकेश के अलावे दर्जनों जदयू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं आगामी 2024 और 25 के चुनाव को लेकर अभी से रणनीतियां सबों ने बनाना शुरू कर दिया है। अपने राजनीतिक ने बाने में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन करते आ रहे हैं। वहीं चुनाव किस तरह मजबूती से कराया जाए उसके लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार भागलपुर पहुंचे। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते पूर्ण रूपेण चरमरा गई है। जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। 2024 और 25 के चुनाव में जदयू भारी बहुमत से जीतेगी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने देंगे। वहीं उन्होंने बीते दिनों पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज पर कहा कि महामंत्री विजय जी का देहांत पुलिस की पिटाई से नहीं हुई है, वो अचेत मुद्रा में कहीं और गिरे मिले थे, लेकिन भाजपा उसको इस पुलिसिया कार्रवाई से जोड़ रही है, यह कहीं से सही नहीं है। साथ में कहा कि गलत का अंजाम गलत ही होता है, इसलिए भाजपा को पुलिसिया दमन का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने जदयू को लेकर कहा कि हम लोग पूर्ण रूपेण तैयार है, 2024 और 25 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जदयू जीतेगी और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से होगा, इतिहास पढ़िए, और इतिहास में हिटलर इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, और जिसका आपके प्रेरणा स्रोत जो है सावरकर, उनके प्रेरणा स्रोत थे हिटलर, मुंजे आपके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके प्रेरणा स्रोत थे हिटलर, और जो हिटलर की चाल चलता वह हिटलर की मौत मरता है। आप हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, और अमित शाह की जुबान खामोश रहती है, तो आप तो हिटलर की राह पर आप चल रहे हैं, हम तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे तरफ फर्जीवाड़ा करने वाला 9 साल में देश को बेहाल कर दिया, तो एक तुलनात्मक विवरण के साथ अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उनको यह निर्देश देना कि जुबान चलाइए, और ऐसे दौर में जब ये सूचना तंत्र को भी इसने कब्जा में कर लिया है, लोकतंत्र की हकमारी कर रहा है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी होती है। पूरे बिहार में यह अभियान चला, कानून को तोड़ते हुए इन्होंने मार्च आयोजित किया और बैरिकेड तोड़ दिया, यह एक गुनाह है। ऐसा मिर्ची डाल दिया, पुलिस वालों पर मिर्ची डाल रहे थे, पत्थर चला रहे थे, जिसके वीडियो फुटेज हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर में है कि मिर्ची लग गया है, क्योंकि तुमने देश के युवाओं को छल किया, मात्र 7,22,131 नौजवानों को केंद्रीय सेवा में नौकरी दिया है। मिर्ची इसलिए लग रहा है कि जब आलोचना करते हैं कि नरेंद्र मोदी की नौकरी 5 साल के लिए, अब भारत माँ के सपूत अग्निवीर की नौकरी 4 साल के लिए, नरेंद्र मोदी पद से हटेंगे तो पेंशन लेंगे, और बेचारा अग्निवीर भारत माँ के सपूत को पेंशन नहीं। इन सवालों पर जब हम घेरते हैं तो ये मिर्ची का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन मिर्ची का उपयोग करते रहिए, मुद्दों से मिर्ची आपको लगाते रहेंगे। केंद्रीय टीम आ रहा है जांच के लिए, एगो जा रहे हैं कि राजभवन में कि सीबीआई जांच हो, तो इनका रिपोर्टवा अभी ये सार्वजनिक हम ही कर देते हैं। भाजपा को थोड़ा समय भी लग जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हुई, तानाशाही है, लाठीचार्ज गलत है, इसलिए केंद्रीय टीम भेजे हैं ना। तो आप रिपोर्ट क्या जारी कर रहे हैं, राजनीति का नाटक क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट अगर रिपोर्ट देना है तो यह बोलिए कि क्या यह सही है कि आपको गांधी मैदान में सभा करने की इजाज़त मिली थी, क्या यह सही है कि आपने बैरिकेड को तोड़ा है, क्या यह सही है कि आपने मिर्ची का इस्तेमाल के कार्यकर्ताओं ने किया, पुलिस बल पर ढेला चलाया, क्या यह सही है कि विजय सिंह जैसे सम्मानित कार्यकर्ता जिनकी दुखद मौत हुई, जब वो बीमार पड़े भाजपा के विधायक के हॉस्पिटल तारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वह हॉस्पिटल ने इलाज करने से इनकार कर दिया और उनको पीएमसीएच। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट,
नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलोन अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलोन के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नगर निगम में सामान्य बोर्ड की तीसरी बैठक भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, सभी वार्ड के पार्षद एवं सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव शामिल थे। बैठक के दौरान नगर निगम के तहत आने वाली सभी विभागों के कार्यों को लेकर समीक्षात्मक वार्ता की गई। जिन योजनाओं के तहत कार्य अभी भी अधूरा है या फिर उसमें अनियमितता देखी जा रही है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि उसे जल्द सुधारा जाए वरना उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी। वहीं आज की बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में जो भी इंजीनियर हैं उनसे भी कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही जहां भी लाइट या अन्य कार्य किए जा रहे हैं उसमें अनियमितता देखी गई थी उसे बदलने की बात कही गई है और इंजीनियर को यह भी हिदायत दिया गया कि ऐसा काम न करें जो कि आपको बार बार इस काम की गलती सुधारने में ही समय व्यतीत करना पड़े। वहीं कुछ दिन पहले पार्षद सरजुग शाह ने नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपना इस्तीफा पत्र मेयर को सौंपा था। इस पर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जल्द नगर निगम की कार्यशैली को दुरुस्त किया जाएगा और वार्ड पार्षद को जनता से कहीं भी खरी खोटी नहीं सुननी पड़ेगी। पार्षद को उनके मन मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो जनता अवश्य बोलेगी या नाराजगी उनकी जायज थी, नगर निगम उस पर विशेष पहल करते हुए ध्यान देगी। नाराजगी तो सही है, उसका काम नहीं हुआ तो नाराज होंगे, लेकिन उसका काम होगा इसका आश्वासन मिल गया। स्मार्ट सिटी को लेकर भी जो किस तरह से करवाई है, ये हमने बुलाया है स्मार्ट सिटी के इंजीनियर को अभी मीटिंग में, तो उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने पेवर ब्लॉक और लाइट लगाई तो उसमें कुछ गलतियां उनसे हुई है, तो उन्होंने बोला है कि दोबारा उसको ठीक किया जाएगा। तो हमने उनको बोला कि ऐसी गलती आए न, ऐसा काम कीजिए कि ये सब गलती दोहराई ही नहीं जाए। तो इस पर हमको लगता है कि एक मीटिंग की ज़रूरत है जो उनके CGM से के साथ हम लोग सब लोग मिल के करेंगे, उसमें सारे पार्षद भी हमको लगता है रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नगर आयुक्त तो रहें, डिप्टी मेयर साहब हैं, सब सिटी मैनेजर साहब हैं, इस पर आगे ब्लीचिंग पाउडर तो पहली बार हमने देखा कि इस तरह की भी बातें आती हैं, तो जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने इसके जाँच के लिए बोल दिया और तत्काल जो लोग इसको ऐसा किए हैं उसको बंद करने के लिए कर दिया। हम इस बैठक में नया क्या मिलने वाला है बैठक के बाद? तो अभी तो इस बैठक की कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं है, पिछली ही बातें हो रही हैं, तब हो जाती है उसके बाद ही बता पाएंगे। कि आज जो सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिस बैठक में सम्मानित सभी पार्षदों ने अपने विषय बिंदुवार जो है रखे हैं, लेकिन आज नगर आयुक्त की अनुपस्थिति हमें खल रही है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किए, हम पार्षदों ने जो विषय रखे, आज से पूर्व जो उद्घाटन मेयर महोदया, डिप्टी मेयर महोदय और नगर आयुक्त द्वारा किए जा रहे हैं, स्वच्छता 2 पाली में होगी और 2 पाली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी जाती है, उद्घाटन हो जाता है, फिर वो कार्य हो नहीं पाता है, फिर काम बंद हो जाता है। टोटो का उद्घाटन हो जाता है कि टोटो हर वार्ड में चलेंगे, टोटो अभी तक बंद पड़े हैं।
इस सारे विषयों को लेकर जो हमारे यहाँ लोहा पट्टी में जल जमाव की समस्या, उस जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए सारा प्रकरण हमने बताया है कि ये हमने ब्लूप्रिंट तैयार करके दिए कि ऐसा हो सकते हो, करने से हो जाएगा। लेकिन नगर निगम किस हद तक हम पार्षदों की बातों को इम्प्लीमेंट करेगा, ये चिंताजनक है, क्योंकि हमने जो पहली बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा था वो आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, और आगे भी जो आज भी हमने कई प्रस्ताव दिए हैं और सभी पार्षद दे रहे हैं, सभी पार्षदों ने बिंदुवार विषय रखा है। नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन है कि वो हम पार्षदों के द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता के हित में जो हमने विषय रखे हैं उस जनता के विषय के हित को रखें और भागलपुर के चौमुखी विकास में हम पार्षदों का सहयोग करें। आज की बैठक की जो अभी चल रही है समान बोल के, उसमें नगर आयुक्त महोदय आज नहीं है, काम से बाहर गए हैं। सिटी मैनेजर साहब को दायित्व दिया गया, प्रभार दिया गया, तो हमारा एक ही मुद्दा था यहाँ पे अभी, जो कि जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, चूना और ब्लीचिंग जो छिड़काव किया जाता है कि हमारा वार्ड स्वस्थ रहे, हमारा शहर स्वस्थ रहे, उसमें इतनी ज़्यादा घोटाला है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या था चूना में? चूना, वो चूना ब्लीचिंग है ही नहीं, वो सीधा सीधी फ्लाई ऐश है जिसको हमने सदन के सामने भी रखा। सदन क्या जवाब दिया? सदन ने इस पर जाँच की बात कह रहे हैं, अब तब तक जांच होगी इसके इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। निगम सिर्फ और सिर्फ घोटाला का अड्डा बना हुआ है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ घोटाला हो रहा है। कुछ नहीं, बैठक में पिछले दो बैठक के बाद आज तीसरा बैठक था, कोई निर्णय नहीं है, सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग को बुलाया जाता है, नाश्ता का पैकेट थमा दिया जाता है कि खाइए और मंगल खाइए। जो आप योजना दे रहे हैं वो किताब पे ही रह जाता है, अगर सवाल करते हैं हम लोग बोर्ड बैठक में तो बोला जाता है इस टेबल से उस टेबल, योजना से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से जलकल, जलकल से नक्शा, नक्शा से फिर आप पर आ जाएगा कि सबूत दीजिए। एक शिकायत करेंगे तो बोला जाता है प्रूफ कीजिए। हम लोग नगर निगम आ रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों से आप प्रस्ताव ले लेते हैं, अब प्रस्ताव अखबार में छप जा रहा है, मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को पता है, जनता घर पहुँच जाती है कि कब होने वाला है। टोटो पर हरी झंडी 4 महीने पहले दिखाया जा रहा है, आज तक टोटो बटारी वाटर वर्क्स में पानी पी रहा है। एक भी मशीनरी 20% डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है एक मशीनरी का एक साल में। आप साल भर अगर टोटो को रख देंगे बरसात में तो वहीं लाइफ उसका ख़त्म हो गया, वो क्या ही काम में आएगा। जिन महिलाओं को अवेयरनेस के लिए दिया जा रहा है आप उनको टोटो सिखा रहे हैं, कहाँ से सफाई होगी, किस बारे में? सफाई का वही हाल, जलकल का वही हाल, चूना ब्लीचिंग आप देख लीजिए कैसा ब्लीचिंग आया है इस बार, मेरे हिसाब से तो मार्बल पाउडर है, वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। और ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर हम लोग शिकायत करते करते थक गए हैं। शौचालय का एक मुद्दा आप उठाए थे, क्या हुआ उसमें? एक शौचालय है जो पिछले 5 साल से हम जिला स्कूल के बाहर बंद देख रहे हैं, अक्सर एग्जाम पढ़ता है, सेंटर पढ़ता है जिला स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, ये कौन सा क्राइस्ट चर्च बड़ी मिशन गर्ल्स स्कूल है, एग्जाम पढ़ता है जब महिलाओं का, तो आप सोचिए शौचालय पड़ा हुआ है बंद, उसका एक गेट खोल दिया जाए वह संभव नहीं है। पहली बोर्ड मीटिंग में बोला गया कि अगले के पहले खुल जाएगा, अगला आया गया तो बोला गया कि चलिए अब खुल जाएगा, आज तीसरा बोर्ड मीटिंग है तो ये समझा रहे हैं सिटी और पीटी, कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट। अरे जनता को शौचालय से मतलब है, आप सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं कि पब्लिक शौचालय बनाने, उसको मतलब नहीं है। हमारी योजना का पैसा उसमें लग चुका है, जनता का पैसा, और आप तैयार ही नहीं है उसको खोलने के लिए, क्योंकि आपके पास मेंटेनेंस के लिए लोग ही नहीं और संसाधन ही नहीं है इसके लिए, आप सिर्फ घुमा रहे हैं चारों बगल। अगर हम लोग तोड़ देते हैं उसको तो हमको या तो केस कर दिया जाता है हमारे ऊपर, घसीट के ले जाएगी प्रशासन हमें, हम लोग क्या करें? अब हम अखबार से जनता से यह प्रेस मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि हम करें तो क्या करें और कौन है हमारा सुनने के लिए। सभी बिंदुओं पर सभी पार्षदों ने अपने अपने गंतव्य को रखा, वार्ड की समस्याओं को रखा, लेकिन ये समस्याएँ बस रखने भर की होती है कि 6 महीने से पहले भी हम लोग ने सामान्य बोर्ड की बैठक में अपनी अपनी समस्याओं को वार्ड की जनता के बीच भी जो मूलभूत समस्याएँ थी उनको रखा था बिंदुगत करके, लेकिन अभी तक कुछ भी निराकरण उसका नहीं हो पाया। बस और भी टोटो का भी दे दिया जाता है तो उसके लिए ड्राइवर नहीं है, ना चार्जिंग की कोई सुविधा दी गई है कि कहाँ पर उस टोटो को चार्ज करके शहर को एक अच्छी व्यवस्था कूड़े उठाने के लिए दी जाए, लेकिन वो भी धरी हुई रह जाती है। ना सफाई कर्मी कर्मचारी बढ़ाए जा रहे हैं, इस बिंदु पर कैसे क्या कार्य होगा निगम में अभी तक हम लोग को कोई जानकारी तो स्पष्ट तौर से नहीं दिखती नज़र आ रही। कौन सा पहले मैंने
बस स्टैंड के पास जो हमारा कोयला डिपो है वहाँ पर मैंने सामुदायिक शौचालय स्नानागार की व्यवस्था के लिए मैंने निगम को पत्राचार किया था और बिंदु में बनाया था, जो हमारे बाढ़ की सबसे मूलभूत समस्या है। लेकिन उस पर भी कुछ होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पर सबसे एक शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बस स्टैंड है, ना वहाँ पर एक टॉयलेट की व्यवस्था है। जेंट्स को तो छोड़िए, महिलाओं को देखते हुए भी जो वहाँ पर यात्री लोग उतरते हैं, चाहे रात में हो दिन में, ना शौचालय है, ना यूरिनल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और मुख्य मार्ग में जो लोहिया पुल जो जहाँ पर से स्टार्ट होता है कोयला डिपो के पास, हर समय जल जमाव भी रहता है। मैंने उसके लिए भी पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक कुछ भी। क्या लगता है बैठक में क्या हो रहा है? बैठक में देखिए, अभी तो हम लोग पुनः फिर जाएंगे, निराकरण हो जाए उम्मीद तो है। हम लोग मेयर साहिबा से और नगर आयुक्त से रखते हैं कि शहर को एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ता पर बर्बरतापूर्ण हमला और भाजपा के कार्यकर्ता शाहजहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की हत्या के विरोध में भाजपा भागलपुर इकाई के द्वारा काला दिन के अवसर पर भागलपुर की समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही भाजपा के जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। एक दिवसीय धरना सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के सभी प्रकोष्ठ के द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीतीश कुमार की हत्यारी सरकार के द्वारा भाजपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज एवं बर्बरतापूर्ण हमले किए गए हैं, जिसमें भाजपा जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका बदला अवश्य लेगी। 2024-25 के चुनाव में जनता खुद जवाब देगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने उद्गार में कहा कि यह तानाशाही अब नहीं चलने वाली, यह जंगल राज पार्ट 3 हम लोग नहीं चलने देंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिसिया रवैये को भी गलत ठहराते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी करते दिखे। आज के एक दिवसीय धरना सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के भागलपुर इकाई के लगभग सभी पदाधिकारी व दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबों ने जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बिहार में जल्द बदलाव का हुंकार भी भरा। इको सत्ता के मद में मदमस्त बिहार का तानाशाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए अनुमति लेकर गांधी मैदान से शांतिपूर्वक मार्च विधानसभा तक निकाल रही थी, और डाक बंगले चौराहे पर जैसे जुलूस आती है, शांतिपूर्व मार्च आता है, कि सावन के पवित्र महीने में जो नंगा नाच बिहार के पुलिस ने किए का काम किया है, नीतीश कुमार नैतिकता भूल गए कि सावन के पवित्र महीने में जहां साधना और उपासना की जाती है, आपने लाठी चार्ज कराने का काम किया है। जब रमजान का पवित्र महीना होता है तो भारत पर जो सेना होते हैं बॉर्डरों पर, वो गोलियां नहीं चलाते हैं किसी को, पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भी जो आतंकी है वो भी घायल नहीं हो, इसकी चिंता भी करते हैं। और बिहार की जनता जिसने आपको वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम किया है, उसके सर पर प्रहार करने का काम आपने किया, और जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की गई, उसका परिणाम है कि हमारे जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह जी, उसकी हत्या हो जाती है और उसी लाठी के प्रहार के कारण वो बेहोश होकर गिरते हैं और वहीं शहादत दे जाते हैं। उस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। कल पुतला दहन था, आज हमने धरना दिया है और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, उसके माध्यम से राज्यपाल को, इसकी जाँच हो और किस प्रकार से उन्होंने बदले की राजनीति के कारण बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, जिसको लोग जान रहे थे सिग्रीवाल जी, विजय सिन्हा जी, ऐसे सरीखे लोगों को बिहार की पुलिस चिंती नहीं है, लेकिन प्रहार करने का काम किया है, बेरहमी से पीटने का काम किया है, जानवरों को भी लोग इस प्रकार नहीं पीटते हैं। 13 तारीख को जो पटना में घटना हुई, इस घटना के विरोध में भागलपुर में भाजपा के सारे कार्यकर्ता जमा हुए थे और हम लोग उस घटना का विरोध कर रहे थे। ये जो हम लोगों का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मैदान से जा रहा था, किसी तरह का हम लोगों ने उनको उकसाया नहीं, सभी लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे सरकार के विरोध में, उनके नीति के विरोध में, कहीं भी कोई अपशब्द का व्यवहार हम लोग नहीं कर रहे थे। जैसे ही हम लोग डाक बंगला पर पहुँचे, एकाएक पुलिस उग्र हो गई और हम लोगों को बिना किसी का ख्याल किए हुए कि कौन कितने बड़े पद पर हैं, चाहे वो MP हो, विधायक हो या विधान पार्षद हो, सबों को एक साथ बर्ताव किया। विजय सिन्हा तो धरती पर गिर गए, गिरने के बाद भी उन पर प्रहार होते रहा, इस तरह से बेरहमी से उन्होंने पीटा कि वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। इसी क्रम में हमारे जहानाबाद के एक महामंत्री थे विजय सिंह जी, उनका देहांत हो गया और इस दुखद घटना से हम लोग सारे लोग मर्माहत हैं और पूरे बिहार के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक मंडल में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है ताकि बिहार की जनता इसको जाने कि इस तरह से जो हमारी सरकार बेलगाम हो गई है, अपराधी के ऐसा व्यवहार कर रही है,
इसे देखो और आने वाले 24 और 25 में उसे उखाड़ कर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्थापित करने का संकल्प लें। जनता को भी मैं संकल्प लेने के लिए कहता हूँ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी पदाधिकारी आज से संकल्प लेते हैं कि हम लोग मैंने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 और 25 में बनाएंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में एक से बढ़कर एक अजब अनोखे कांवरिया हर साल आते हैं। भक्ति भाव की पराकाष्ठा में कुछ अलग कर दिखाने की प्रबल आकांक्षा ऐसे भक्तों को पूरे मेला मार्ग में आकर्षण का केंद्र बना देता है। 4 जुलाई से शुरू हुए श्रावणी मेला में अभी तक कई अजब अजब रूप रंग के कांवर लेकर कांवरिये जा चुके हैं। तरह तरह के कांवरिया गेरुआ वस्त्र धारण करके सुल्तानगंज पहुँच रहे हैं। इन सबसे अलग एक कांवरिया ऐसा है जिसके शरीर के ऊपरी हिस्से में वस्त्र की कोई जरूरत ही नहीं है। यह अनोखा भक्त जल भरने कैमूर जिला के कुदरा से आया है, जिसने गंगा तट पर उतरते ही पूरी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह हटी कांवरिया संटू शर्मा और केसरिया लोहार अपने शरीर में सैकड़ों सुई पिरोकर गंगा जल भरने के लिए सुल्तानगंज पहुंचा, जिसे देखने के लिए कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। संटू शर्मा ने बताया कि भगवान भोलेनाथ को कोई ओघड़नाथ तो कोई ओघड़दानी तो कोई पगला बाबा कहता है। मैं उसी पगला बाबा का एक पागल भक्त हूं जो बाबा का दर्शन करने देवघर जा रहा है। उन्होंने कहा कि बचपन से सुनता आ रहा हूं कि जो भी सच्चे मन से मुरादे लेकर बाबा वैद्यनाथ के दरबार में जाता है उनकी मुरादे पूरी होती है। इसी उम्मीद से मैं भी अपने एक मन्नत लेकर बाबा भोले के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहा हूँ, शायद मेरी ही पुकार बाबा भोलेनाथ सुन ले। उन्होंने कहा कि सुई की चुभन से शरीर में दर्द तो हो रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति के आगे यह दर्द कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा खासा अपना रोजगार कर रहा था, लेकिन 2 वर्षों के लॉकडाउन ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं सड़क पर आ गया हूँ। लॉकडाउन की वजह से हुए कर्ज ने मेरी कमर तोड़कर रख दी है। मैं जिंदगी से तंग आकर कुछ दूसरा रास्ता अपनाना चाहता हूँ, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद अब अपनी अर्जी लेकर भगवान भोले के दरबार में जा रहा हूँ। अब बाबा वैद्यनाथ ही मेरा सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा नाम संतु शर्मा हुआ, गांव मेरा कुदरा, थाना कुदरा, जिला कैमूर भगुआ का मैं निवासी हूँ। पेशेवर से मैं एक डांसर हूँ और कलाकार भी हूँ। सब माने कि हम लोग करते हैं, इसी कारण हम सोचे कि माने कि बाबा के पास जाएं तो कुछ हजारों में एक हो, औरों की तरह माने कि एक कलर ना हो, हमारा कलर एक अलग कलर हो। इसी माध्यम से मैं चला हूँ। और फिर तो दुख अपन काकारा ले कह बबे ले कह जे अपना शरीर में हतना खूब ले लेब तो हमारा कितना दुख हो और कितना कष्ट दे जाता नहीं बाबा जान तो ऐसा नहीं लग। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र के गोड्डी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें अरविंद यादव की मौत हो गई। मृतक की पत्नी के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों के साथ साथ कजरेली थाना प्रभारी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। दरअसल 3 एकड़ जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें मृतक के भाई का कहना था कि वो लोग कोर्ट से टाइटल सूट जीत चुके थे और शाम जब मृतक खेत पर गया तब दूसरे पक्ष के बुधन यादव, पट्टू यादव, करकू यादव, राजू यादव, संजय यादव, बौसकी यादव, धनिया यादव और मनोज यादव के द्वारा मृतक को पिस्तौल की बट से और लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी गई। वहीं गोली भी चलाई गई, लेकिन अरविंद यादव को गोली नहीं लगी, जिसके बाद परिजन जब दौड़कर घायल अवस्था में उसे थाने ले गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। वहीं जब मारपीट हो रही थी तो थाने के प्रभारी को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन बंद कर दिया। यह आरोप परिजन लगा रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी के द्वारा ही दूसरे पक्ष को जमीन पर भेजा गया था। वहीं परिजनों के द्वारा घायल को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में अरविंद यादव की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने दूसरे पक्ष के साथ साथ थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब देखने वाली बात है कि पुलिस के आला अधिकारी मृतक की पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप की जांच कर कब तक सच्चाई सामने लाते हैं। तो घटना हुआ कि वो लोग दरोगा से मिल करके खेत जोतवाने लगा, ठीक, बुद्धन यादव, कट्टू यादव, कगू यादव, राजू यादव, संजय यादव, आरो अति तपोस्की यादव, धनिया यादव, मनोज यादव, यही सब। और ये बिहार बुनने गया, सब ने घेर करके इसको मारने लगा। 18 इंची सामान था, पिस्टल था उसके कुंडे से। पहले तो फायरिंग किया, ये ऐसे सूत गया, सूतने के बाद आया कुंडे लेकर के इसको थोचक दिया। इसका जमीन है, जमीन है वो 3 एकड़ जमीन है, ठीक है। वो पुरनका खतियान से वो बेच लिया था, तो पुरनका खतियान से टाइटल किया, टाइटल हार गया, अपील हार गया, अपील जिलाने के लिए केस के अपील भी हार गया, सब चीज हार गया। और
जमीन इनका था है? आप लोग का जमीन था जी सर, आपका जमीन है? हाँ जी सर, जजमेंट है उसका। थाना गए तो क्या बोला? थाना बोला कि जाओ मयागंज लेके जाओ, यहाँ हम क्या करेंगे। हाँ। तो आपको गरागरी करके अनिक बड़ाबू ने भगा दिया। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में देर रात पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने एक पिस्टल और कई गोली भी बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी आदिल किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में पहुंचा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व CTDSP के द्वारा किया गया। छापेमारी टीम में CIT के जवानों के साथ साथ कई थानों की पुलिस मौजूद थी। जगदीशपुर प्रखंड के गोनू बाबा धाम में जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान DDC सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी पदाधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि आज शाम तक जिले में कुल 1,00,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, जो शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 4,00,000 पौधे लगाए जाने की योजना है। वहीं वन विभाग के द्वारा भी 2,00,000 पौधे लगाए जाने हैं, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गांव के अन्य समस्याओं को भी ग्रामीणों के द्वारा सुना गया है, जिसे जल्द दूर करने का निर्देश दे दिया गया है। पूर्ण तालाब है गोनू धाम, सब लोग जानते हैं, भागलपुर के लोग, अन्य जिले के लोग भी, बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। और इस तालाब का कार्य जो है आज से 14-15 साल पहले कराया गया था, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी, जो फोटो वगैरह को देख करके मिल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि मनरेगा के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट स्थल पर इतने महत्वपूर्ण तालाब का जो है जीर्णोद्धार हुआ है, और आज हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है। मेरी सब लोगों से अपील है कि खूब जो है वृक्षारोपण करिए। 4,00,000 से ज़्यादा मनरेगा में वृक्षारोपण का टारगेट है। वन विभाग में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टारगेट रखा है, तो वहाँ भी वृक्षारोपण का चल रहा है। और आज 1,00,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का हम लोगों का लक्ष्य है, और हम लोग निश्चित रूप से आज शाम तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कुछ जो ग्रामीणों ने समस्याएं बताई हैं, जैसे एक छिटका का निर्माण चानन नदी में, तो वो जो मेरी जानकारी है कि वो लघु सिंचाई विभाग के तरफ से वो प्रस्ताव जो है पटना विभाग में चला गया है, उसको जल्दी हम लोग टेंडर करा करके उसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य बड़े तालाब के बारे में भी यहाँ बताया गया है, चूँकि उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वो मनरेगा से नहीं हो पाएगा, लघु सिंचाई के जो इंजीनियर्स हैं उनको भेज करके उनका सर्वे कराएंगे, और DPR हम लोग पटना में उसके जीर्णोद्धार के लिए भेजेंगे। पुनः मेरी अपील है कि इस तरह के जो जल पहले जीर्णोद्धार हो, स्थिति खराब हो गई है, उसको ठीक करा मन से आप लोग इसको हमारे में दीजिए, और इसके सीजन में हम लोग वृक्ष सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जिला गंगा संरक्षण समिति के तहत भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता को लेकर इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को गंगा को स्वच्छ व पवित्र बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार प्लास्टिक यूज करने वाले को चिन्हित कर उन्हें चेतावनी दे दी गई है, अगर दोबारा गलती करते हैं तो उन पर FIR कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही है, जिसमें कई जगहों पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं। वहीं भागलपुर में 40% काम पूरे हो चुके हैं। हम लोग सब लोग जान रहे हैं जिला गंगा संरक्षण समिति की जो है लगातार बैठकें होती हैं। एकल प्लास्टिक के उपयोग पे जो प्रतिबंध लगाने को लेकर के बात हुई है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लगातार नगर निकाय के पदाधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी, और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो अभी भी इस तरह के वायलेटर हैं, अभी भी कुछ नाम आया है जिनको पहले भी नोटिस दिया गया है, कार्रवाई हुई है, अगर वो जानबूझ करके फिर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो हम लोग उन पर FIR करके उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने सख्त निर्देश आज सभी पदाधिकारियों को दिया है, और पर्यावरण की बेहतरी के लिए लगातार वृक्षारोपण का कार्य हो, या जो भागलपुर सुल्तानगंज नौगछिया कहलगांव में STP का निर्माण होना है ताकि जो है गंदा पानी नदी में ना जाए, तो वो भी अंतिम चरण में है। जैसे सुल्तानगंज में तो वो शुरू भी हो गया है, नौगछिया का अंतिम चरण में है, भागलपुर में 40% काम हो गया है। तो सारे विषयों पर बात हुई है, और हम लोगों का प्रयास है कि पर्यावरण में भी सुधार हो, गंगा के जो वाटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो, और जो प्लास्टिक का उपयोग है जिसको लेकर के कई बार जो है हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसको और हम लोग बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराएं।
श्रावणी मेला के दौरान बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों सहित कई जगहों से कांवरियों का जत्था पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर बिहार के मशहूर अंगिका लोक गायक कलाकार सुनील छला बिहारी ने बोल बम पर आधारित अपने अंगिका भक्ति एल्बम की शूटिंग की। इस दौरान शूटिंग देखने वालों की होड़ लग गई। वहीं सुनील छला बिहारी ने बताया कि भोजपुरी से ज्यादा अंगिका को लोग पसंद कर रहे हैं और मैं अंगिका का लोक गायक हूं और मेरी यह भोलेनाथ पर आधारित एल्बम तैयार हो रही है, जरूर लोगों को पसंद आएगा। वहीं उन्होंने राजनीति में आने की मंशा को लेकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अभी भी सरकार ने कुछ नहीं, वही लोग बना रहे हैं।